वाली कंपनीज है वो सब के सब आज तेज़ हैं। थोड़ा री रेटिंग का मामला भी है, रब ऑफ इफेक्ट भी है। एक बार समझ लेते हैं, मेरे सहयोगी सौमित आपको बता रहे हैं इसकी पूरी डिटेल। सौमित बताएं आप। फुटवेयर स्टॉक्स पे अच्छा खासा बस दिख रहा है मार्केट में, और उसके पीछे एक कारण ये है कि जो कैंपस एक्टिवेयर है उसका आईपीओ आज ओपन हो चुका है। अब ये 1400 करोड़ रुपीस का आईपीओ है, और अगर पोस्ट लिस्टिंग मार्केट कैप देखेंगे आप कंपनी का तो करीब 8900 करोड़ रुपीस हो जाएगा, और ये फोर्थ लार्जेस्ट लिस्टेड शू कंपनी हो जाएगी इंडिया में। इसके ऊपर आएंगे रिलैक्सो, बाटा और मेट्रो ब्रांड्स, जिनका मार्केट कैप करीब 16000 to 28000 करोड़ रुपीस है। अब अगर आप वैल्यूएशंस की बात करेंगे तो FY23 बेसिस पे कैंपस एक्टिवेयर के वैल्यूएशंस जो है वो बाटा इंडिया, मेट्रो, मिर्जा इंटरनेशनल, खादिम और लिबर्टी से थोड़े एक्सपेंसिव है, बट रिलैक्सो के सामने अगर आप देखेंगे तो वैल्यूएशंस थोड़े चीपर है। अगर आप FY23 बेसिस पे पी देखते कैंपस का तो 66 टाइम्स है, और ईवी टू एबिटा अगर देखेंगे तो 34 टाइम्स है। अब अगर आप ग्रे मार्केट में देखते हैं तो ये आईपीओ एक प्रीमियम कमांड कर रही है। इसका मतलब ये होता है कि इस आईपीओ के लिए काफ़ी स्ट्रांग डिमांड है ग्रे मार्केट में, और चूंकि स्ट्रांग डिमांड है हाई वैल्यूएशंस होने के बावजूद, इसलिए हमें जो लोअर वैल्यूड फुटवेयर स्टॉक्स हैं जैसे कि खादिम, लिबर्टी, मिर्जा इंटरनेशनल, मेट्रो ब्रांड्स और बाटा इंडिया, इसमें एक स्ट्रांग अपमूव दिख रही है। करीब खादिम के शेयर्स अगर आप देखेंगे तो 10% से ज़्यादा ट्रेड कर ले, लिबर्टी भी 10% से ज़्यादा का अपमूव मार चुकी है, और इसके पीछे का रीज़न यही है कि कैंपस एक्टिवेयर का आईपीओ ओपन हो चुका है ग्रे मार्केट में, इसके आईपीओ एक प्रीमियम कमांड कर रहे हैं डिस्पाइट हाई वैल्यूएशन, इसलिए ये लोअर वैल्यूड फुटवेयर स्टॉक्स पे थोड़ा बहुत अपमूव में आज के ट्रेड में देखने को मिल रहा है।